सभी मेरे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसको टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कंसेप्ट में चल रहा हूं। और मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, थर्मोडायनामिक्स, गैसियस स्टेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी के लगातार MCQ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सभी को डिस्कस भी कर रहा हूँ, टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस भी दे रहा हूँ। जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ, और इस कोशिश को सार्थक बनाने में आप लोगों का बहुत साथ है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन से सेलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे न लगे, लेकिन क्वेश्चन वास्तव में अच्छे हैं, लगाइएगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि 50 क्वेश्चंस लगभग हैं। देखिए, इस तरीके से हम चलेंगे तो ये हमारे पास आखिरी सेट है, और आखिरी सेट में जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये 59, यानी कि हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चंस आपको मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस इजी हैं, जिन क्वेश्चंस में कंसेप्ट सिंपल लगना है, उन क्वेश्चंस का मैं क्या करता हूँ कि आपको बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आपको लगा लेना है, तो वो क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। इसी तरीके से आपको करना क्या है कि हम लोग एक एक करके हर स्टेप के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वापस हमने ले लिया, और इसी को हम शुरुआत करते हैं। रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिके कौन से ऑर्डर की रिएक्शन फॉलो करता है? तो दुनिया जानती है कि जो फार्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, या के भी लिख सकते हैं, 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि कहने का मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो साथियों, इसको फर्स्ट ऑर्डर आप लगा लीजिएगा, यानी ये आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन, आराम से चलेंगे, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। आंसर सीट में इसकी आंसर सीट आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए आराम से डिस्कशन कर रहा हूँ। वीडियो जब 30 मिनट के पार हो जाएगी, तो जितने क्वेश्चन 30 मिनट की वीडियो में हो जाएंगे मैं क्वेश्चन उतने करवा दूंगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के आंसर मैं लगा दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में, ध्यान रखिएगा, आंसर के लिए परेशान ना होइएगा। इन किसी भी, अगर आपको वीडियो का आंसर नहीं मिलता, डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कर लिया करें, अगर नहीं भी होगा तब भी मुझे बता दें कि सर इसका लिंक लगा दीजिए, मैं लगा दूंगा, क्योंकि सभी के पास, सभी ग्रुप में नहीं, सभी के पास संभावनाएं कम है जुड़ने की, इसीलिए मैं लिंक में आपका ग्रुप में, मतलब जो वीडियो है उसमें लिंक लगाऊंगा। इन द रिएक्शन A+2B, अब इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसे लिखना कैसे। मैं पहले लिख देता हूँ इसे, क्या लिखेंगे, -dA/dt, क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट है, फिर इज इक्वल टू माइनस, फिर हाफ हो जाएगा क्योंकि नीचे ये 2 लगा हुआ है, फिर dB हो जाएगा और नीचे आपका dT हो जाएगा। समय प्रॉपर दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत ना आने पाए। इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में प्लस साइन रहता है, dC/dt हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वही, इज इक्वल टू वही dD/dt। अब आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि ये 2A हो सकता है, तो 2A पॉसिबल, कहीं पर 2A भी हो सकता है और 2D भी पॉसिबल है, तो 2D है इसमें, ठीक है, ये 2D है, लेकिन 3B है इसका मतलब 3B भी है, तो ऑप्शन इसका मतलब C भी नहीं हो सकता है, मतलब C क्या कह रहा है कि इन द अबव रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, तो ये तो हो सकता है, संभावना इसकी है। उसके बाद मैच कौन सा नहीं कर रहा है वो देखें, ये नहीं करेगा, कभी भी 2 जो है वो बी के साथ नहीं आ सकता, ये 2 सी के साथ जा सकता है, ए के साथ जा सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी हैं, 3A के साथ जा सकता है, 3D के साथ जा सकता है, 3B के साथ भी जा सकता है, लेकिन 2 जो है वो B के साथ नहीं जा सकता। इसका मतलब फिर मैं आंसर इसका बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए हुए
सेकंड वाले का जो आंसर है मैं डी लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी भी नहीं पॉसिबिलिटी, यानी कि यही आंसर इसका होगा, सेकंड का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़िया लगा क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छा है। द रिएक्शन इसमें पूछा गया है कि ये मॉलिकुलर बाई मॉलिकुलर है, वो तो साफ दिख रही बाई मॉलिकुलर है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एक यहाँ एक यहाँ, और उसके बाद कह रहा है सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर तो ये है नहीं, क्योंकि अगर वाटर होता तो फर्स्ट ऑर्डर होती है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम फिर आंसर सी लगाएंगे, तीसरे का सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब लाया हूँ भाई साहब, अगर आप पूरा वीडियो सॉल्व कर लेंगे तो ईश्वर चाहेगा तो आपको मिलेंगे इस वीडियो में से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। द आर्हिनियस इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट कॉन्स्टेंट, पता है आपको के इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, तो बी ऑप्शन इसका लगा लीजिए, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वो हम सामने रखते हैं आपके, आप भी थोड़ा जोर लगाइए, हम भी लगाते हैं, बढ़िया लगेगा आपको। इन द रिएक्शन द रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यू नो वेरी वेल कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर्स रेस्ट टू द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। इसका मतलब हुआ कि 1+, पढ़े लिखे लोग हैं ना, 1+2/3 दिया हुआ है, तो 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ के 3 हो गया, +3 2, यानी कि 5/2 आंसर आ जाएगा, 5/3 सॉरी, सी ऑप्शन इसका लगा लेते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन आप सी लगा लीजिएगा। वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना, क्रीज पे आके बढ़ के खेला है, तो इसी तरीके से आप खेलते रहिए हमारे साथ, ये मैच पूरा चलता रहेगा, मज़ा आता रहेगा। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डेफिनेट फंक्शन, वो डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन वेरीज इनवर्सली टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, इसका ऑर्डर क्या होगा जनाब, फिर से पढ़ते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो जनाब जीरो ऑर्डर में होता है, ये आपको पता होना, टी हाफ आपको बता देता हूँ, अरे ये तो पेन ऐसा हो गया, हाथी का बच्चा बन गया, चलो ठीक है कोई नहीं, इसे मिटा लेते हैं पहले। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने कि टी हाफ इज़ इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ पेन बहुत मोटा हो रहा है भाई, क्या बात है, ठीक है ना, चलो अब देखें, हाँ आप सही है, ठीक, तो इसके बाद क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन क्या कहता है, टी हाफ इज़ इक्वल टू हो जाता है आपका, टी हाफ इज़ इक्वल टू होता है, अगर हम देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू ना लिखें ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जो है वो -1 हो जाए, मतलब ऊपर चली जाती है पावर, कंसंट्रेशन भाई नीचे होती है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कंसेप्ट है ये ऑर्डर में जीरो ऑर्डर में ही कंसेप्ट लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर आंसर जो है वो 6 वाले का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 6 वाले आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, एक बार और लगाता हूँ। द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन वेरीज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, मिटाना पड़ेगा जनाब इसे, इसका मतलब ये, फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऑर्डर सेकेंड होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, जीरो ऑर्डर में 2 ऊपर रह जाता है, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लगाइएगा, थोड़ा दिमाग स्लिप कर गया, कोई नहीं। 7th क्वेश्चन में प्लॉट ऑफ log a माइनस x वर्सेज टाइम इज़ ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है वो जानते हैं आप, मुझे तो ज़्यादा मैथ आती नहीं लेकिन इक्वेशन मुझे जरूर याद है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, और अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर फॉलो करेंगे तो इस इक्वेशन को जो फॉलो करेगी वही ऑर्डर रिएक्शन का कहलाएगा। इसका मतलब 7th वाले का, अगर हम इस इक्वेशन को चेक कर लें कौन फॉलो कर रहा है, ज़रा देख लें एक बार, देख लेते हैं एक बार, यानी इक्वेशन इज इक्वल टू, यानी k इज इक्वल टू क्या होता है, kt इज इक्वल टू लिखें, kt इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस x हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, a माइनस x log a माइनस x लिखा रहने दें, ऐसे log a माइनस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log a माइनस एक्स है ना माइनस log a ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, तो इसको log a को हम इधर भेज देते हैं या माइनस इसको उधर भेज लीजिए, वो एक ही बात हो जाएगी, तो बन जाएगा आपका log a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा क्या, log a बचेगा और उसके बाद माइनस आ जाएगा के टी अपॉन 2.3, यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, और ये इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर की है, तो सिंपल सी बात है कि ये फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही कहलाएगी, तो जनाब मैं आंसर इसका फिर फर्स्ट ऑर्डर ही लगाऊंगा, और ये आंसर फर्स्ट ऑर्डर मैंने लगा दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुँचते, इफ़ ए इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द nth ऑर्डर, वेरी गुड नाइस, nth ऑर्डर में
यानी ए की पावर पे 1 - n लगा देना, nth ऑर्डर अपने आप निकल आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का आंसर आप समझ चुके होंगे, सी आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर किया करिए। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और क्वेश्चन में दिमाग भी लगता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुँचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर द रिएक्शन एक्स प्लस टू वाई प्रोडक्ट। यानी कि अब मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके लिए आपको लिख लेना पड़ेगा, पहले से ही माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि मैं पहले ये देख लेता हूँ कि इसमें लिखना क्या है। ठीक है, टर्म्स में लिखना है, जब टर्म्स में आप लिखेंगे तो इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, वो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे माइनस साइन के साथ माइनस डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 1/2 यानी डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, समझ गए। अब प्रोडक्ट पी बनाया तो पी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी को भी लिखा जा सकता है। तो अब इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई, इस करेक्ट ढूंढना है तो ये फिर तो गलत हो गया, सही है ना। यानी हमें तो इतना दिखता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस उतना होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, और प्रोडक्ट उतना पूरा बनना चाहिए। तो प्रोडक्ट पूरा कहाँ बन रहा है देखते हैं। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बराबर है हाफ ऑफ द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ वाई, बिल्कुल सटीक बैठा। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ठीक है, उसके बाद देखते हैं डी ना हाफ ऑफ द रेट ऑफ ना हाफ नहीं है इसका, यानी सी आंसर होगा 9 का। आप इसी तरीके से इक्वेशन बना लीजिए और देख लीजिए, सिंपल सा आपका दिखाई दे जाएगा। भाई प्रोडक्ट का है तो डी पी लिख दीजिए, यहाँ पर अपॉन डी टी लिख दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, बाकी मैंने पेज अपना साफ कर लिया, पोंछा लगा दिया इसके ऊपर, देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देख लेते हैं। सेलेक्ट द इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट हमेशा बनता है और कंज्यूम हो जाता है, इतनी बात ध्यान रखना। यहाँ कौन बना और कंज्यूम हुआ, तो ये रिएक्शन यहाँ तक हुई, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बहन जी बनी और यहाँ कंज्यूम कर दी गई, इसका मतलब फिर नेसेंट ऑक्सीजन ही आंसर होगा, बी आंसर इसका लगा लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, 10th का आंसर जो है बी ही होगा जनाब। मैं इस क्वेश्चन को, मुझे अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। इफ़ द कंसंट्रेशन यूनिट्स आर रिड्यूस्ड बाई एन टाइम्स, जब कंसंट्रेशन यूनिट घटाई जाती है जनाब, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये रेट कॉन्स्टेंट है ये जनाब, किसी पर डिपेंड मतलब जनरली ऐसे बोलें कि चेंज नहीं होता, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो मतलब ये हुआ कि फिर ये आंसर सी आना चाहिए। फॉर द रिएक्शन 4a + b इज इक्वल टू c + 2d द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हम पढ़ लेते हैं रेट। अच्छा वो ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप करेंगे, ये क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन को नंबर 9 से मैच कर रहा है, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ ये 9 से मैच कर रहा है। अब वही बना लेंगे इस तरीके से, कैसे बनाएंगे, -1/4 dA/dt करके बना लीजिएगा और आंसर आप मैच कर लीजिएगा। आंसर मैं आंसर लगा दूंगा, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप निकालिएगा, निकल आएगा, मतलब जिससे कि कुछ आप भी मेहनत करेंगे, कुछ हम भी करेंगे, दोनों मिलके या कदम बढ़ाएंगे ना। इसके बाद क्या है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, यानी जो रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको रेट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ मिसप्रिंटिंग कर गया है कुछ थोड़ा सा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, हाँ रेट ऑफ, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स होगा, DEPENDS डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन आपको अरिनेस भैया ने पढ़ाई थी, पता है ना, ये वाली इक्वेशन पढ़ाई थी अरिनेस साहब ने, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए फिर वो आंसर क्या आना चाहिए, ये आप समझदार हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, करता है टाइम मतलब नहीं, आंसर वही है जनाब, ए ही आंसर लगेगा 101%। द सम ऑफ द पावर्स टू द विच ऑफ द कंसंट्रेशन सब्सटेंस अपीयर्स इन द रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज, ये तो गधा भी बता देगा, मेरी तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो महागधा हूँ, है ना, तो कोई बात नहीं, मजाक करने की आदत है, पढ़ाते पढ़ाते अपने क्लास में मजाक कर लेता हूँ कभी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आंसर मैं लगाऊं 14 वाले का, आप मैं बताऊं, बताना पड़ेगा मुझे, यानी जानते हैं कि रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज इक्वल टू आपका होता है के एक्स, ए की पावर क्या हो जाता है एम, और बी की पावर क्या हो जाता है आपका, बी की पावर हो जाता है एन, तो ये एम प्लस एन इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ऑर्डर ये होता है ना रेट, भाई सिंपल से डेफिनेशन ये, सम ऑफ द पावर्स रेस टू द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 14 का भैया फिर लगा लेना अपने आप,
आई तो डेल्टा टेन हो, तो नेक्स्ट 15 पे आ जाइए। फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी इज इक्वल टू सी डी, यार ये भी बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगा, 15वां नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा भैया 15वां? क्योंकि इसमें फिर वही लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 12, 15 सब एक ही कंसेप्ट पे चल रहे हैं, तो मैं क्यों बताऊँ ना, आप लगाइएगा जरूर। क्वेश्चन बढ़िया है, छोड़ना आपको नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम कंसेप्ट पे चल रहा है, ये क्वेश्चन भी शायद मैं ना बताऊँ तो बढ़िया। रेट ऑफ रिएक्शन इतनी दे रखी है, रेट इज इक्वल टू इतना दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे यार कौन क्या करूँ मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 16 है ना, जोड़ दो सबको, सम ऑफ द पावर्स टू द रेज, नहीं आधा आधा आधा, डेढ़ डेढ़ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है डेढ़, ठीक है 16 लगा लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन कौन सी होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के है कहीं, यानी कि आंसर में 17 का क्या लगाऊँ, बी लगा दूँ, लगा दो बच्चे कह रहे हैं लगा दो। द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज फास्टर देन द मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन बिकॉज इट इज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कैसी हो जाती है आपको मैं बता देता हूँ, जब एक्टिवेशन एनर्जी घटती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी गैप कम कर दीजिए तो लोअर आंसर आना चाहिए, फिर मतलब 18 का फिर मैं क्या लगाऊँ, पता नहीं लोअर और अपर जो भी आप हो तो लोअर लगाइए ना आंसर, सिंपल। इन द गिवन रिएक्शन दे रखी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन जनाब इसका एग्जाम्पल है, पता है आपको है ना कितने रिएक्टेंट है इसमें, तीन है ना, कंसंट्रेशन तीनों पर डिपेंड करेगी, थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल याद करना पड़ेगा जनाब आपको ये, ठीक है। मैं तो सिंपल से मैंने दो देख लिए, एक लेकिन ये सब किसी में नहीं अप्लाई होता, ध्यान रखना। इन द रिएक्शन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, इन अ रिएक्शन जो रिएक्शन होती है उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रेज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अप टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये मुझे पता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आंसर होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी इज प्लस नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, वेरी गुड, थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों का सम होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब निकालते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो थ्रेशोल्ड में से नॉर्मल घटा देते हैं, तो इसका मतलब फिर आंसर ए आना चाहिए। मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर, नहीं कहोगे सर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ई टी इज इक्वल ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई टी माइनस ई आर, आर मतलब रिएक्टेंट, इसको इधर ले आइए जोड़िए तो यही आंसर आपका आ जाएगा। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन टेल्स अबाउट दी, किस में बताती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है वो आपको जानते हैं मॉलिकुलरिटी कहलाती है। सिंपल रिएक्शंस में हमेशा मॉलिकुलरिटी ही निकाली जाती है। अब तक हमने 21 क्वेश्चन आपसे सॉल्व कर लिए हैं, तो इसी तरीके से हम आगे भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब वीडियो हम लोगों की 30 मिनट तक पहुँच जाएगी, जितने हो पाएंगे हम करेंगे, बाकी आंसर आपको मैं लगा करके दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमें क्वेश्चन नंबर 22 दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे पता नहीं, पढ़ लेते हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू द केमिकल काइनेटिक्स, तो जनाब आपको वेस्पर थ्योरी को बता दूँ, साफ दिख रहा है, अंधा भी टटोल के बता देगा कि वेस्पर थ्योरी जो होती है वो इसमें अप्लाई नहीं होती। 23वां क्वेश्चन है, द बर्निंग ऑफ कोल रिप्रेजेंटेड बाई द रिएक्शन, दिखा दी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंक्रीज बाई डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, कहीं ऑप्शन है, नहीं दिख रहा है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी घटाएं तो फिर इसका मतलब है ये तो हटा ही दो, नहीं है आंसर। डिक्रीज पाउडरिंग द लंप ऑफ द कोल, यानी इसको पाउडर कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि हमें तो यही पता है कि भाई जब छोटे छोटे टुकड़े करते तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो फिर आंसर फिर बी ही लगाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और रिएक्शन ए टू प्लस बी टू बना दिया 2AB अकर्स बाय द मैकेनिज्म, कैसे अकर करेगी जनाब, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊँ जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वो ढूंढिए, स्लोएस्ट स्टेप कौन सी दिख रही है, पहली दिख रही है ना, रेट डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप, ये सभी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, तो फिर इसका मतलब है स्लो स्टेप कौन सी हो जाए। इन द ऑर्डर इज बताओ भैया, ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, 24 का फर्स्ट लगाएं, क्योंकि भैया रेट अगर इसका रेट बनाएंगे इसी पर तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए टू, और इसकी पावर क्या जा रही है, वन जा रही है, क्योंकि ये आगे है ही वन, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया यार क्वेश्चन, इस पर मैं इंपॉर्टेंट भी लगा दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 25वां, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैव बीन प्रपोज्ड टू द रिएक्शन, अब ये आप भी लगाएंगे, ये मैंने भी इसमें दो दो कैटेगरी के क्वेश्चन डाल दिए गए जिससे कि आपको प्रैक्टिस में एक सम मैन परफेक्ट वुमेन ऑल्सो, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं यार, कभी कभी थोड़ा हंस भी लिया करो, दिन भर बोर रहे हो जाते हो ना, पढ़ते रहते हो आजकल, लेक्चरर के सपने तो आ ही रहे होंगे आप लोगों को ना, सपना देख रहे हो मैं भी जाऊंगा इंटर कॉलेज में, घुसूंगा यूं करके टाई बेल्ट एकदम मस्त होकर घुसूंगा, यार आई एम द लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, है ना, चलिए खैर कोई बात नहीं, बनेंगे आप, ईश्वर चाहेगा तो जरूर बनेंगे। 26 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 26 क्वेश्चन क्या कहता है,
इफ़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व द गैसियस रिएक्टेंट, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी रिएक्टेंट गैसियस होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जो यूनिट होती है वो कंसंट्रेशन की प्रेशर से रिप्लेस कर दी जाती है, और जब प्रेशर से रिप्लेस कर दी जाएगी कंसंट्रेशन जनाब, तो फिर एटमॉस्फियर यानी कि आ जाएगा कंसंट्रेशन की जगह, तो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, तो मोल पर लीटर को एटमॉस्फियर से रिप्लेस कर दीजिए, तो जनाब आंसर फिर सी लगा दीजिएगा। ज़्यादा आप सोचिएगा नहीं, परेशान कतई नहीं होने की ज़रूरत है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, यार ये मैं नहीं बताऊँगा, ये तो यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी बताने में, ठीक है ना, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, सॉरी। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉलोज, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉलोज, कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट किसको फॉलो करता है जनाब, तो मैं आपको बता देता हूं कि K इज इक्वल टू ए, मैं लिखता हूं यहां पर K इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फैक्टर वो बढ़ना चाहिए, नहीं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पूरा बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो 28 का आंसर फिर जनाब ए आना चाहिए। कि ऑलवेज़ ये चीज़ आपको बता दें, जब पूरा फैक्टर आप बढ़ाएंगे ना तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़े, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फैक्टर बढ़ेगा, ऐसे बोले हैं, क्योंकि वो माइनस वैल्यू के साथ लगा हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हैं, बाकी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जैसे चाहे वैसे समझ लिए, मैंने अपने हिसाब से समझ लिया, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो ना इसमें, मैं तो बहुत मस्त इंसान हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत भी नहीं लगती है, कहने सर ऐसे समझाओ तो ऐसे समझ लो, समझ में आना चाहिए, एनी हाउ समझ में आना चाहिए। तो अब द रेट एक्सप्रेशन सजेस्ट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0.5 फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सब्सटेंस एक्स वाई, तो यानी कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंपल सी बात इसमें कंसेप्ट लगाइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स रेस टू द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ, यानी कि इसमें यही लगाइए कि तो विच रेट एक्सप्रेशन सजेस्ट एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब फिर सिंपल सा यही हो जाता है कि भैया जो पावर्स हैं, जिसकी जो पावर है वो आनी चाहिए, है क्वेश्चन कर लेंगे आप, कर पाएंगे जनाब, बताइए विच रेट एक्सप्रेशन सजेस्ट एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5, इन ओवरऑल 0.5 आना चाहिए, तो ओवरऑल 0.5 कैसे, सबको जोड़िए जो आंसर 0.5 आ जाए, तो मैं जोड़ के देखता हूँ, पहले वाले में क्या 3 आ जाएगा, नहीं होगा, दूसरे वाले में 0.5 पर 1.5 आ जाएगा, नहीं होगा, तीसरे वाले में कितना 1.5 माइनस 1 प्लस 0 यही आएगा बस जनाब, आंसर सी लगाइए, जोड़ लीजिए बस, कुछ करना नहीं है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इतना दे रखा है, ए इज इक्वल टू इतना है रिएक्टेंट रेट ऑफ, यार ये तो या तुम लगाओगे या मैं लगाऊँ, यानी टी हाफ इज इक्वल टू 69.3 है, 0.693 होता है ना, तो के इज इक्वल टू क्या होता है, लगा दे फार्मूला, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ कितना रख दे 69.3 रख दीजिए, तो ये यानी कि डेसिमल हटाएंगे तो अगर यानी कि 10^10 ऊपर कट जाए 10^-2 आ जाएगा, तो ये आपका के आ गया 10^-2 सेकंड आ गया, सेकंड इनवर्स आ गया, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के और ए होता है, और ए की वैल्यू जो कंसंट्रेशन आई, के की वैल्यू आपको मिल चुकी है 10^-2 और ए की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितने गिवन है 0.1, तो यहाँ रखो 0.1 इंटू 10^-2 मल्टीप्लाई करो, यानी कि मल्टीप्लाई कर 10^-3 फिर आंसर आ जाना चाहिए, और कोई भी आंसर 10^-3 है, यार ध्यान से देखिए है, मिल गया बी भैया मिल गया, तो यार क्वेश्चन दिमाग होना चाहिए, क्वेश्चन तो पट से लगता है, आंसर झट से आता है। चलिए 31 पे चलते हैं, डी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.1, इतने से इतना घट गई, यानी शुरू में इतना थी तो ए इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी मान लीजिए, फाइनल इतनी पे पहुंच गई, यानी कि और टाइम इतना है, तो के इज इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन टी, टी का मतलब कितना रख दें 20 मिनट है, सेकंड में रखेंगे मिनट में, चलो मिनट में आंसर दिया हो तो मिनट में रख देते हैं, लॉग इनिशियल 1 है, फाइनल कितनी हो गई 0.25 हो गई, पेज छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं अनु शर्मा, ये आपका 0.25 पर 100 हो जाएगा, 2500 लॉग 4 आ जाएगा, लॉग 4 को मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि आंसर निकाल लेंगे ना आंसर, चलो आप आंसर निकालना, फिर मेथड यही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आंसर निकाल भी लेंगे, सब बच्चे हमारे, सब साथी हमारे, सब मित्र हमारे, सब स्टूडेंट्स हमारे, सब कैंडिडेट हमारे, जितने भी फॉलोअर हैं सभी बहुत ही होशियार हैं, विद्वान हैं, आंसर निकालेंगे। 32 ये नेक्स्ट जो है, द रेट लॉ ऑफ द दे रखा है गिवन बाई इसे द टेकन लार्ज एक्सेस,
इफ़ ए को लार्ज एक्सेस में ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है PGTs का क्वेश्चन है, मज़ा आ गया जनाब। एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था ग्रुप में कि ये एक्सेस में कर दिया जाए तो क्या कंडीशन हो जाएगी, तो ऑर्डर बिकम्स ज़ीरो फॉर द रिएक्टेंट इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। उसका ऑर्डर ज़ीरो, मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब एक चीज़ द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज़ गिवन बाई दिस, ठीक है ना, ए की वैल्यू जो है वो आप एक्सेस में ले लीजिए। जब ए की वैल्यू आप एक्सेस में ले लेंगे तो इसका मतलब फिर आंसर जनाब झटके में चला जाएगा, एक तो मामला ज़ीरो हो गया, जब ज़ीरो हो गया तो वन हो गया, वन हो गई वैल्यू तो बी बचा, तो बी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा, तो 32 का आंसर बी लगा लेना, सिंपल से फर्स्ट ऑर्डर में चली जाएगी रिएक्शन, है ना, वो फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा ना। चलिए 33, इफ़ द रिएक्शन टी हाफ इतना दिया हुआ है, द रेट कॉन्स्टेंट, अरे इसमें क्या बताना पड़ेगा, ये मुझे कराना पड़ेगा या आप करेंगे, यानी यूनिट, जैसे भगवान ने अगर बुद्धि दी हो ना तो सब काम हो जाते हैं, तो यूनिट देख लो, यूनिट कौन सी, यानी कि एक ने पूछा, वो बच्चा दिमाग लगाता रहा, कैलकुलेशन करता रहा, अरे यार जनाबे आली 10^-2 पर सेकेंड है, और पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर की होती है, मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ फालतू, कैलकुलेशन क्यों करूँ जब सामने यूनिट रखी हुई है। अब आ जाइए 34वें क्वेश्चन पे, 34वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन भी दिया हुआ है, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3, इनका रिलेशन आपको जनाब निकालना है, तो रिलेशन आप निकाल सकते हैं, आंसर मैं लगाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसके आंसर को लगे। 35वां क्वेश्चन मैं करूंगा, और इसके बाद बचे हुए जो 30 क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर इसकी PDF भी लगा दूंगा, इसके 35 क्वेश्चन के बाद की PDF आपको इसी के लिंक में मिल जाएगी। तो द यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन ओबेइंग द रेट ऑर्डर, अब इसका ऑर्डर फ्रैक्शन में जाएगा, मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, आप मेरी वीडियो देखिएगा, ट्रिक टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट K की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल पर लीटर की पावर 1-, अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉरी, यहाँ पर आ जाते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1-, n सेकेंड इन्वर्स लगा देना, n की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देना, n की वैल्यू यहाँ पर इसमें से कैलकुलेट करके रख देना, n की वैल्यू क्या आएगी वो आप समझदार हैं, ठीक है, निकाल लेंगे, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और नहीं अगर चाहे तो मोल पर लीटर ऐसे रखना, मोल पर लीटर की पावर 2^n लगाना, तब भी निकल आएगा आंसर, सिंपल ऐसे निकाल लेना। 36वां क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A+2B इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट द गिवन कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, 36वां हो गया, 36वें इज गिवन बाई, यहाँ पहुँच जाते हैं हम 36वें पे, ये दिया हुआ, तो अब आप निकाल लेंगे सिर्फ 36वें क्वेश्चन को कर लेंगे ना, इसका मतलब है वही सिंपल सा फार्मूला लगाइएगा, रेट इज इक्वल टू -dA/dt बना लीजिएगा, जो बने वही लगा देना आंसर। वैसे रिएक्शन में देख करके बताऊँ क्या बनने की संभावना है, चलिए रिएक्शन देखता हूँ, रिएक्शन क्या है पहले ये देख लें, 36वां का क्वेश्चन का रिएक्शन है, द रिएक्शन A+ यानी कि -dA/dt हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ, माइनस का हाफ dB/dt हो जाएगा इज इक्वल टू dC/dt हो जाएगा, तो ये आंसर आप देख लीजिए, जहाँ भी मैच कर जाए लगा दीजिए, चना एकदम फट से लग जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ा ना आने वाली, तो फिर आंसर 6C का लगा देते हैं, ढूंढ ही लेते हैं फिर आंसर फिर -dA/dt बने, ये लगा दीजिए, फिर सी लगाइए झम्म से, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द डिफरेंट वेज एज द फॉलोज दिया हुआ है, लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 35 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, इसके बाद आपको फुल जितनी भी आपको ये PDF आपको मिलेगी, ये पूरी PDF आपको इसी के लिंक में मिल जाएगी, मैं इसके आंसर भी इसी के लिंक में PDF लगाऊंगा, उसी के आंसर भी वहीं पर मिलेंगे, तो बेफिक्र रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आंसर के लिए परेशान नहीं होइएगा, आंसर में PDF में आप ले जा करके इसको आंसर देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने 35 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके बाद की जिम्मेदारी थोड़ी आप भी निभा लीजिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात आप जानते हैं, एंड इसीलिए आपको मेहनत करनी है, और खुद थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि मैं लगाता रहूँगा कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप भी लगाएंगे थोड़े क्वेश्चन, तो मैंने 35 लगा दिए हैं, बचे हुए 25 क्वेश्चन आप लगाएंगे, 60-80 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो ये 60 की मैं PDF इसमें लगा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो और आप नए हो चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, सी यू।